हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सोनी टेक जोन। गाइस, आज हम बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा कल का प्रिडिक्शन करेंगे कि कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है और अगर ओपन होता है तो क्रूशियल सपोर्ट क्या रहेगा। सो थोड़ा सा हम इस पे एनालाइज करते हैं। आज की डेट जो है वो है 1 जनवरी 2023। सो यहाँ पे आप देखोगे ये 15 मिनट का चार्ट है जिसके अंदर मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया हुआ है और नीचे स्ट्रांग सपोर्ट मैंने लिखा हुआ है, तो मुझे स्ट्रांग सपोर्ट ड्रॉ करना होगा। तो पहले मैं स्ट्रांग सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ एंड देन फिर मैं आपको गाइड करता हूँ किस तरीके से होगा। ठीक है, तो सपोर्ट के लिए आपको इसमें जाना है, हॉरिजॉन्टल रे को क्लिक करना है और इसको मैं लैंडस्केप मोड पे लाता हूँ पहले, तो मुझे इजी से दिखेगा इसमें। तो पहले इसको मैं निकाल देता हूँ, बाद में सो लिख दूंगा सारी चीजें। सो पहले मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से सपोर्ट बनाना है जो कि ये सपोर्ट है। ठीक है, और मार्केट जैसे आप देख रहे हो मार्केट अभी क्लोज हुआ है 43,338, बट जस्ट मैं मेरे डीमैट अकाउंट में देख रहा हूँ तो वहाँ पे दिख रहा है मार्केट क्लोज हुआ है 42,986। इधर इधर किधर क्लोज हुआ है और उसके नीचे बराबर सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट क्यों है, रीज़न देख सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कितने बार रिटेस्ट हुआ है, 1 2 3 4 और ये अभी 1 5। तो कल के डेट में चांसेस है अगर मार्केट 42,986 के नीचे ओपन होता है इधर या तो 43,498 या तो इधर 42,830 इसके बिलो ओपन होता है तो चांसेस है मार्केट पहले यहाँ से ऐसे डाउन जाएगा और फिर यहाँ से रिटेस्ट करेगा और फिर नीचे डाउन जाएगा। पता तो मैं आपको ड्रॉ करके मार्केट यहाँ से ओपन होगा, ड्राइंग हो नहीं रहा है, वेट। सॉरी ब्रश, हाँ मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है तो यहाँ से नीचे जाएगा, थोड़ा रिटेस्ट करेगा और फिर नीचे साइड जाएगा। ये मेरा प्रिडिक्शन है कल का, अगर गैप डाउन होता है तो, अदरवाइज इसको इरेज कर देता हूँ। अदरवाइज मार्केट कल की डेट में 1 यहाँ से ओपन होगा, ऊपर जाने के चांसेस कम है और सीधा नीचे आके रिटेस्ट करके, ऐसा दोनों में से एक हो सकते हैं। तो कल की डेट में देखना है किस तरीके से मार्केट वर्क करता है। ये तो मैंने ओनली जस्ट प्रिडिक्शन किया है कि इस तरीके से कुछ मार्केट हो सकता है। अब वॉल्यूम प्रोफाइल में एक और चीज़ मैं लगाता हूँ, ये तो मैंने ओनली 1 डे का वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया, अब मैं बॉटम से लेके हाई लेवल तक वॉल्यूम प्रोफाइल लगा रहा हूँ जिससे इसमें क्रूशियल लेवल मुझे पता चलेगा कि कौन सा है। ठीक है, तो मैं अभी जस्ट वॉल्यूम प्रोफाइल ले रहा हूँ। ठीक है, 23 दिसंबर से ले रहा हूँ टू टिल एंड तक। अब देखोगे इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा जो है जो वॉल्यूम दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है
42 892, मतलब 42,899 के आसपास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। तो यहाँ से चांसेस है मार्केट डाउन होने के, अपसाइड जाने के चांसेस बहुत कम है। अगर अपसाइड जाएगा मार्केट तो बता दूँ मैं आपको कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक इसका हो सकता है। ये जो लेवल आपको दिख रहा है ये 43,590, यहाँ पे एक VPOC पेंडिंग है, दिखा है तो VPOC क्या होता है। दिसंबर ओके लेता हूँ। यहाँ से लिया ये आप देख सकते हो, ये VPOC पेंडिंग है जो अब तक इसको है ना मार्केट ने टच नहीं किया है। तो हो सकता है कल की डेट में अगर गैप अप ओपन होता है तो एक यहाँ तक आने के चांसेस है 43,599, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, इसमें दो चीज़ होती है, दिखा देता हूँ। इस पर सेटिंग में जाना होता है, यहाँ से सॉरी यहाँ से सेटिंग, लैंडस्केप मोड से निकाल देता हूँ पहले। तो ऐसे आपको सेटिंग में आना है, सेटिंग में आके VAH VAL दोनों को आपको ऑन करके ओके करना है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो VAH जो है वॉल्यूम हाई है और वॉल्यूम लो है, तो ये वाला जो ब्लू पार्ट है ये वॉल्यूम हाई वाला है और ये वाला जो है वो वॉल्यूम लो वाला है। तो कहने की बात ऐसी है, अगर वॉल्यूम हाई के ऊपर, जैसे कि मार्केट यहाँ से आ रहा है नीचे 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 नीचे, और वॉल्यूम हाई को ब्रेक करके नीचे साइड आ रहा है, तो ये POC तक मार्केट सस्टेन कर सकता है और यहाँ से फिर से रिवर्स हो सकता है। और अगर मार्केट POC को भी ब्रेक करके नीचे साइड आ रहा है तो फिर चांसेस है आपका ये मार्केट ये इस लो तक आएगा, चांसेस है। कभी कभी आता भी है और कभी कभी टच करके भी चले जाता है। तो ये प्रिडिक्शन है, इससे आप अपनी प्रिडिक्शन काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और ये कभी भी एग्जिस्टिंग मार्केट पे ही आप अप्लाई कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा प्रिडिक्शन आपको नेक्स्ट डे का मिल पाएगा। सो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा एनालिसिस तो मैंने मेरे एनालिसिस शेयर की हुई है, आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।